उत्तराखंड के लिए एक दुखद खबर सामने आई है। उत्तराखंड के पिथौरा जिले में नायब सूबेदार मनोहर दत्त को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। वह फर्स्ट नागा रेजिमेंट में तैनात थे। 45 वर्षीय मनोहर दत्त भट्ट का परिवार थल के चौकोड़ी क्षेत्र में रहता है। इन दिनों वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे। 1 मार्च को मनोहर दत्त छुट्टी पर अपने घर आए थे, लेकिन किसे पता था कि वह छुट्टियां उनकी जिंदगी की आखिरी छुट्टियां साबित होंगी। दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ। बीते दिनों वह छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे। इसी बीच हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की ओर जाते समय एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में मनोहर दत्त गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें तुरंत ही सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। गुरुवार को जवान का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ उनके घर लाया गया। जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी तारा देवी बेसुध होकर गिर पड़ी। माता नारायणी देवी भी होश खो बैठी। नायब सूबेदार मनोहर दत्त की 2 बेटियां पूनम और करिश्मा हैं। अचानक हुए हादसे के चलते इन दोनों बेटियों के सिर से पिता का साया छिन गया। उन्हें रोता देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। हादसे के बाद परिजन गहरे सदमे में हैं। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि मनोहर दत्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिसके बाद रामगंगा घाट पर सैन्य सम्मान के साथ नायब सूबेदार मनोहर भट्ट को अंतिम विदाई दी गई। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। हेलो उत्तराखंड की तरफ से भी सूबेदार मनोहर दत्त भट्ट को भावभीनी श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुखी घड़ी में सहन शक्ति। जय हिंद।